हेलो बच्चों, वेलकम टू रेड क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हम आप सभी का एक्सरसाइज 1.4 के डिस्कशन में स्वागत करते हैं। स्वागत तब हम देखिए नहीं अब हम स्वागत नहीं करते हैं, अब हम आपका कंडीशनल स्वागत करते हैं। कंडीशनल स्वागत का मतलब होता है कि यू आर वेलकम प्रोवाइडेड कंडीशन अप्लाई। वो बोलता है ना, कभी भी शेयर मार्केट में पैसा लगाना जोखिम भरा हो सकता है, ये है वो है। टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ें, LIC पॉलिसी लेते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइज, वारंटी कार्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइज। तो ये कंडीशंस बड़ी खतरनाक चीज होती हैं। पहले आपको ऊपर बड़ा बड़ा लिखा रहेगा, ये है वो है, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, हम आपको वो देंगे, हम आपको वो देंगे, और उसके बाद 20-30 पन्ने में इतना छोटा छोटा लिखा रहेगा, हम आपको कुछ नहीं देंगे, हम आपको कुछ नहीं देंगे, हम आपको कुछ नहीं देंगे, हम आपको कुछ नहीं देंगे। भाई ये तो सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, बट हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में कहां चले गए, हम कम आते हैं अपनी पढ़ाई पर। कंडीशनल वेलकम इसलिए हम कर रहे हैं बिकॉज अगर आपने एक्सरसाइज कर ली है, यू आर मोस्ट वेलकम अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। नहीं करी है तो प्लीज जाओ करो फिर बैठो। देखो बेटा, जब तक खुद नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होने वाला, जब तक खुद नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होने वाला, हम चाहे 10 बार करा दें। ठीक, चलिए। एनीवेज, क्वेश्चन ये कहता है कि विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग, क्वेश्चन तो बहुत लंबा लिखा हुआ था कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग दी नॉन डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग डेसिमल्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और ब्ला 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 ब्लो ब्लो ब्लो, इसलिए लिखा हुआ था। हमने शॉर्ट में कर दिया भाई, बोर्ड में अगर क्वेश्चन नहीं लिख देंगे तो सॉल्व कहां करेंगे। विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग, आपको एक्चुअली डिवाइड नहीं करना है, डिटरमाइन करना है कि किस टाइप का डेसिमल है। तो हमने आपको बिफोर आई स्टार्ट हम आपको बताया था कि 3 टाइप के डेसिमल्स होते हैं। एक डेसिमल्स होते हैं जो टर्मिनेट कर जाते हैं, जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ डेसिमल्स के बाद डिवीजन खत्म हो जाता है। दूसरे होते हैं जो टर्मिनेट नहीं करते हैं, पर एक सर्टेन चंक ऑफ नंबर्स होता है जो बार बार रिपीट करता जाता है। ठीक, तीसरा होता है जिसमें ना तो टर्मिनेट करता है ना ही रिपीट करता है, वो अपना दम कुछ पर्टिकुलर पैटर्न टैलेंट दिखाते हुए अपना आगे बढ़ता चला जाता है। अभी इसमें उसकी बात नहीं है। देखिए, रेशनल नंबर्स हमेशा टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में जाते हैं, इरेशनल नंबर्स आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में जाते हैं। तो यहां सारे के सारे रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, तो ये दो ही टाइप में जाएंगे, या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब एक तरीका तो है कि इन सबको डिवाइड कर दो और चेक कर दो, पर वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल रहा है भैया कि बिना डिवाइड करे बताओ। मीन्स आपको बताना पड़ेगा कि आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि वेदर दीज नंबर्स आर वेदर गोइंग टू टर्मिनेट आफ्टर डिवीजन और नॉट, दे आर गोइंग टू टर्मिनेट नॉट टर्मिनेट एंड देन रिपीट। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हमने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर, इफ डिनोमिनेटर डी आर इज ऑफ द फॉर्म 5 to the power p एंड 2 to the power q, केवल इस फॉर्म का अगर डिनोमिनेटर हमारा बनता है, अगर पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर्स, तो ही हम कहेंगे कि डेसिमल जो है टर्मिनेट कर जाएगा। हमने आपको बताया था रीजन कि भाई ऊपर अगर डिफरेंट नंबर ऑफ 2 और 5 रहेगा तो आप ऊपर नीचे 2 या 5 जो भी रिक्वायर्ड है वो मल्टीप्लाई करके नीचे 10 बना देंगे, और 10 बनाते ही हमारा डेसिमल सिस्टम ऑफ काउंटिंग है तो वो डेसिमल ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इसके अलावा कोई भी नंबर हो, 3 हो 5 7 हो 11 हो 17 हो 13 हो 23 हो, कोई भी प्राइम नंबर आ गया तो ये 10 नहीं बना पाएगा, और 10 नहीं बना पाएगा तो हम कहेंगे कि ये डेसिमल को शिफ्ट नहीं कर पाएगा, ये डिवाइड ही करता रहेगा। ठीक, तो चलिए, ये सिर्फ इसलिए है बच्चों क्योंकि हमारा काउंटिंग सिस्टम किस पे है, डेसिमल पे है। तो जितना हम 10 बना सकते हैं जिन जिन नंबरों से मिला के, वही हमारा डेसिमल शिफ्ट करेगा, अदरवाइज वो डिवाइड ही करता रहेगा। ठीक है, चलिए वो कैंसिल कर देता है पूरा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, 13 upon 3125, डिसाइड करिए कि वेदर द डिनोमिनेटर 3125 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा। तो जहां तक हमें लग रहा है कि 2 से तो डिविजिबल है नहीं, 3 से 3 1 4 2 6 5 11 नहीं, 5 से डिवाइड करके देखिए, हमें जहां तक लग रहा है 5 to the power 5 ही लिखा हुआ है। 3125 5 से डिवाइड किया, 6 5 जो 30 12 6 5 2 जो 10 2 23, हाँ है ना, क्या हो गया 5 5 25 125 625 5 to the power 5। तो सिंस डी आर आप लोग मत लिखिएगा एग्जामिनेशन में, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power p एंड 5 to the power q, वेयर लिख दीजिएगा, वेयर
P is equal to 0 and Q is equal to 5. Therefore, it is a terminating decimal. क्लियर, ये लिखना जरूरी है बच्चों, हमने तो पता तो कर लिया। अब क्योंकि आपसे ये भी कहा गया है, आपसे ये भी कहा गया है कि आप ये पता करिए, अगर नहीं, अच्छा ये इसमें नहीं कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक ये पूछा गया है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन वन अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनका आपको डेसिमल फॉर्म भी लिखना है। मतलब आपको इसको डेसिमल फॉर्म को डिवाइड करके बताना पड़ेगा कि एक्चुअली डेसिमल फॉर्म बन क्या रहा है। तो हम लोग एक साथ क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू करते जाते हैं। तो ये किस में गया, टर्मिनेटिंग में, तो अब डिवाइड करिए। अब देखिए डिवाइड करने के तरीके बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, मतलब बच्चों देखिए, तो अब 13 को इससे डिवाइड करिए 3125 से और टर्मिनेट करवा दीजिए। हम एक शॉर्टकट बताते हैं, शॉर्टकट ये है बच्चों, शॉर्टकट कि ये आपका आएगा 13 को अब क्या लिख सकते हैं, 13/3125, इसको हम लिखेंगे 13/5 to the power 5। अब इसमें कितने पांच हैं, पांच हैं हमारे पास, कौन सा पांच, एक्सपोनेंट में है, एक पांच बेस में है। हमें कितने, इसको 10 बनाने के लिए कितने टू चाहिए होंगे, पांच टू चाहिए होंगे, तो मल्टीप्लाई इट बाय 2 to the power 5 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अभी भी फ्रैक्शन की वैल्यू सेम है ना, बिल्कुल सेम है। तो ये आपका बन गया 13 into, अब 2 to the power 5 क्या होगा, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32, 13 into 32 डिवाइडेड बाय 5 to the power 5 आपको पता है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। ये क्या करिए, एक एक के पेयर में रखिए, 5 into 2 एक पेयर, 5 into 2 दूसरा पेयर, 5 into 2 तीसरा पेयर, 5 into 4 चौथा पेयर और 5 into 4 पांचवा पेयर। ये आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 5 to the power 5, 2 to the power 5 ही लिखा है, ये 2 है बच्चों, 4 नहीं है। तो ये डिनोमिनेटर में क्या बना, 10 to the power 5, और न्यूमरेटर क्या बना, 13 into 32, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये मिटा देना चाहिए, सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, 13 into 32, ये आ गया 3 to the 6, 3 to the 9, सॉरी हाँ 96 एंड 32, 3 to the 6, 3 to the 9 एंड 32, तो ये आ गया आपका 6, ये आपका 9, 2, 11, ये आपका आ गया 4, 416, तो 416। अब आप इसको डेसिमल में लिख सकते हैं, कैसे, 416/1, 2, 3, 4, 5 ये लिखा हुआ है, 5 डेसिमल शिफ्ट कर दो, 1 डेसिमल आया, 2 डेसिमल आया, 3 डेसिमल आया और 4 और 5, मतलब ये क्या बनेगा, 0.00416 ये बनेगा। ये इजी है, प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये ज्यादा इजी है। हम एक बार इसका आंसर भी देख लें, यही आ रहा है एनसीईआरटी में एक्सरसाइज नंबर 1.4। जस्ट गिव मी अ मोमेंट बच्चों, तब तक आप लोग देखिए समझिए। हाँ 0.00416, वेरी गुड, ठीक, ये एक तरीका है। बाकी आप चाहें तो बच्चों डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड कर लीजिए आप। आपको अगर संतोष नहीं है हमारे इस तरीके से तो आप इसको देखिए, ये बेसिकली वही लॉजिक है, ये वही लॉजिक है जो ये डिसाइड करवाता है कि टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा, उसी को हमने यूज कर लिया इसको डिवाइड करने के लिए, ठीक है। चलिए सेकेंड वाला देखते हैं अब हम लोग, देखिए जिसको मेरे पर यकीन ना हो ना डिवाइड करके देख लेना, ठीक। सेकेंड आपका है 17/8, इसको हम लिख सकते हैं 17/2 to the 4 to the 8 2³। तो ये डिनोमिनेटर कैसा बना, डिनोमिनेटर आपका बना 2 का मल्टीपल, सिंस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power p 5 to the power q, वेयर, ये लिखना जरूरी है, वेयर p इज इक्वल टू कितना है, 3, 2 की पावर कितनी है, 3,
5 की पावर कितनी है? 0 है, 5 टू द पावर 0 1 होगा ना, 1 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, 5 टू द पावर 0 लिख दो, देयरफॉर इट इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब तो भैया जब से पता चला है कि अगले क्वेश्चन में हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल का डेसिमल फॉर्म भी निकालना है, तो हम ये सोच रहे हैं कि भैया नॉन टर्मिनेटिंग ही निकल जाए, बेटर रहेगा। ठीक, 17/2 क्यूब इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 5 चाहिए इसको 10 बनाने के लिए? 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 और 5, 1 2 इससे कंबाइन होगा, 1 2 इससे कंबाइन होगा, 1 2 इससे कंबाइन होगा, क्या बनेगा? ये 5 5 25 125 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 1 2 3 10 10 टू द पावर 3000, 17 इंटू 125 कर लीजिए, 125 इंटू 17 ये आपका आएगा 7 5 35, 3 14 17 1 7 1 8, और ये आपका 125 आ गया, तो ये आ गया 5 7 5 12 2 कर गया 1 8 1 9 2 11 कर गया 1 2, 2125 ये आपका आ गया 2125 डिवाइडेड बाई 1000 डेसिमल फॉर्म में गया तो कितना बना 2.125। डेसिमल 3 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है। देखिए डेसिमल शिफ्ट होने का मतलब ये बेसिकली किसी भी नंबर जैसे 2125 लिखा हुआ है ना बच्चों, इसको हम डेसिमल 00 लिख दें कोई फर्क पड़ता है नहीं ना, तो डेसिमल अभी कहाँ है, 5 के बाद लगा हुआ है। जब हम 3 जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 प्लेस ये डेसिमल शिफ्ट होकर कहाँ जाएगा, 2 के पास। इसी तरीके से इसके पहले वाले में 5 प्लेस शिफ्ट हुआ था, तो ये 2125, इसको तो डिवाइड करके देख भी सकते हो ना, 2.125 17 से डिवाइड करिए, 17 को 8 से डिवाइड करिए, तो 8 8 2 16 कितना आया 1, तो ये डेसिमल लगा के आपने 10 लिया, 8 1 8 तो ये आ गया 2, फिर डेसिमल है ही 0 आ गया, 8 2 16 कितना आया 4, फिर डेसिमल का 0 आया, 8 5 40 कट गया 2.125, सेम आंसर। चलिए दो हो गए, तीसरा वाला नॉन टर्मिनेटिंग आ जाए, ऐसे करते ना आप लोग भी एक्सरसाइज करते टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका 64 अपॉन 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए 5 5 10 4 14, ना 2 से गया ना 3 से गया, सीधे 5 से गया, तो ये आया 5 9 45 1 91, ये तो आपका किसी उसका होता है ना, 7 से जाएगा, ये 7 1 7 13, 5 सिंस डिनोमिनेटर, इसको आप लिख दीजिए 64 = 5 × 7 × 13 डिनोमिनेटर, अरे वाह ये तो नॉन टर्मिनेटिंग आ गया है ना, इज नॉट ऑफ द फॉर्म टू टू द पावर पी एंड 5 टू द पावर क्यू, देयरफॉर इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि भाई देखो ये रेशनल नंबर है तो ये आपका जाएगा तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग में, टर्मिनेटिंग में नहीं गया तो किस में जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में चला जाएगा, तो ये क्यों, क्योंकि ये 7 आ गया और 13 आ गया, ये दोनों इसको आके गड़बड़ कर दिया है, तो इसलिए जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में जाएगा। ठीक, सिर्फ आपको यही चेक करना है डिनोमिनेटर वेदर इट इज ए मल्टीपल ऑफ दिस और नॉट। अब देखिए अब हम हर बार ये स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, अब हम आपको बता देंगे, 3 4 में हमने कर दिया, चौथा फोर्थ वाला है आपका 15 अपॉन 1600। बेसिकली ध्यान से देखिए तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 15 / 1600 इज 2 to the 4 to the 8 to the 16, तो ये हो गया आपका 2 to the power 4 × 100, और 15 / 2 to the power 4 × 2 × 50, और 15 / 2 to the power 6 × 5 square, यही होना चाहिए 2 to the power 6 × 5 square।
अब देखो यहां से भी एक 2 आएगा, यहाँ 2 ऑलरेडी है, फिक्स हो गया, और यहाँ क्या बचेगा 25, 5 स्क्वायर हो गया। तो सिंस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर बाय पावर p, 5 टू द पावर q, p इज इक्वल टू 6, q इज इक्वल टू 2, हेंस इट गोज टू टर्मिनेटिंग काइंड ऑफ डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग है तो आपको निकालना भी पड़ेगा, तो इसको हम लिखेंगे 15 अपॉन 2 टू द पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर। तो ऑलरेडी यहाँ पर 2 5 है, कितने 5 और चाहिए, 4 इंटू 5 टू द पावर 4, ठीक, अभी भी सेम नंबर लिखा हुआ है। तो ये आपका बना 15 इंटू 5 टू द पावर 4, 625 डिवाइडेड बाई कितने बनेंगे, 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 6, 10 फॉलोड बाई 6 जीरोस, तो 15 इंटू 625 करो आप, 5 5 जो 25 2 5 जो 10 12 1 6 जो 30 31 एंड 625, तो कितने प्लेस डेसिमल शिफ्ट होगा, 4 इसके ले लेंगे और 2 जीरो भी आ जाएगा, तो 0.00937 एंड 5। आप डिवाइड भी कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो 15 को 1600 से डिवाइड कर लीजिए। हम आंसर वाला पेज खोल लेते हैं, भाई कैलकुलेशंस हैं तो गड़बड़ भी हो सकता है। ये हमारा कौन सा पार्ट था, ये आपका पार्ट था फोर्थ, फोर्थ का आंसर है 0.00937, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट आपका है फिफ्थ, ये तो देख के लग रहा है नहीं जाएगा, 29/343, ये इवन नहीं है तो 2 का मल्टीपल पूरा हो नहीं सकता, ऑड नहीं है तो, अरे 5 का मल्टीपल भी पूरा नहीं हो सकता कि इट इज नॉट एंडिंग विद 5 और 0, इसका मतलब ये पक्का किसी ना किसी और प्राइम को कंप्राइज करेगा। चलिए एनीवेज निकाल लेते हैं, 343 है क्या, अरे 343 तो देखा हुआ नंबर है ना, ये क्या होता है 7 का क्यूब होता है ना, 49 टू 7 करो, 9 7 जा 63, 6 7 4 जा 28 और 8 6 14, 343 ये 7 क्यूब है, नॉन टर्मिनेटिंग में गया तो इसको निकालने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, ओहो सो प्लीज्ड टू सी दिस फॉर्म, सो प्लीज्ड टू सी दिस फॉर्म, भैया सीधे उसने फैक्टराइज करके दे दिया, बल्ले बल्ले, अब तो हमें इसको करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, सीधे उसने दे दिया कि भाई जो डिनोमिनेटर है वो 2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 2 है, तो ये हो गया। इसमें तो आप सीधे लिख दीजिए कि सिंस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर p, 5 टू द पावर q, p इज इक्वल टू 3, q इज इक्वल टू 2, देयरफॉर इट इज ऑफ द टर्मिनेटिंग टाइप। अब टर्मिनेटिंग का निकाल लेते हैं, 23 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब है, 5 का स्क्वायर है, कितना और 5 चाहिए आपको, 1 और 5 चाहिए, तो नीचे क्या बना 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब दैट इज 10 क्यूब 1000, ऊपर क्या बना 5 थ्री जा 15 कैरी गया 1, 5 थ्री जा 10 1 11 115, डेसिमल में जा कितना बनेगा 0.115, लेट मी चेक द आंसर, 6th 0.115, 7th नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल, क्यों 2 टू द पावर 2 तक सही था, 5 टू द पावर 7 तक सही था, 7 टू द पावर 5 ने आके इसको बर्बाद कर दिया, यही है वो नंबर जिसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में लेके चला गया, कौन सा 7। चलिए एनीवेज किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में भेजना है तो उसमें 2 5 के अलावा कोई और फैक्टर भेज दो, सीधा वो उसको तोड़ तार के निकाल देगा। 8 6/15 इज वॉट 3 इंटू 5, 3 गड़बड़ कर गया, सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर p, 5 टू द पावर q, हेंस इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग काइंड ऑफ डेसिमल, कॉपी में पूरा लिखना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9th, 35/50, ये तो बहुत ही अच्छा है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो 100 हो जाएगा, 7, अच्छा ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी एनटीआर है ना, एनटी रामाराव, ये भी ए टर्मिनेटिंग, ये निकाल दिया हमने 8th वाले का, इसको निकालना है। तो देखिए बेसिकली ये दिया हुआ है 35/50, इसको हम लिख सकते हैं 35/25 × 50 मींस 2 × 5 स्क्वायर, सिंपल। आप इसको ऊपर नीचे, तो ये किस में चला गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में चला गया, फॉर्म क्या आएगा
35/50 into 2 by into 2 कितना आया 70/100, एक एक कटा 0.7। इसका तो अब आंसर देखने की जरूरत नहीं है। 10th क्वेश्चन 77/210 2 - 1 11 से तो डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। 7 × 3 = 21 तो डिवाइड कर दो, क्या बना 11/30, ये 11/30 बन गया ना। तो हम क्या करेंगे भाई, चलो बढ़िया है, इट इज 11/2 × 3 × 5 ठीक, ये है 3 की पावर आ गई। इट मीन्स इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power p, 5 to the power q, hence it is a non-terminating repeating kind of decimal, ठीक। तुम मुझे 2 to the power p या 5 to the power q दो, मैं तुमको टर्मिनेटिंग डेसिमल दूंगा, याद रखना ठीक। और तुमने अगर मुझे 2 to the power p, 5 to the power q नहीं दिया, मैं तुमको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं दूंगा, सॉरी टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं दूंगा, क्या दूंगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल दे दूंगा, याद रखिएगा। देखिए बच्चों, यही बस इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये पोयम तो आप लोगों ने सुनी होगी ना, सुभाष चंद्र आजाद हिंद फौज पे पोयम थी, राइटर का नाम मुझे नहीं याद है, बट इट वॉज अ वेरी गुड पोयम आजाद, ठीक। चलिए आई राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आप लोगों के आ चुका है। अब इसमें क्वेश्चन लेंदी बहुत लिखा हुआ था, इसलिए हमने नहीं लिखा, क्वेश्चन छापना कोई टैलेंट की बात थोड़ी ना होती है, बुक आपके सामने पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हम वीडियो में डाल देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा था कि आपको उसने 3 decimal दिए हैं, 3 decimals देके उसने बोला कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या रेशनल नंबर। हम एक बार क्वेश्चन पढ़ ही देते हैं, क्वेश्चन सेज दैट द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। कुछ रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस यहां बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आपको इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। आप पहले तो ये डिसाइड करना है कि ये रेशनल में है या नहीं है, ठीक। आपने अगर डिसाइड किया कि ये रेशनल में है एंड ऑफ द फॉर्म p/q के फॉर्म का है, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। मतलब ये तीनों नंबर्स पहले तो आपको डिसाइड करना है कि ये रेशनल है या नहीं है। जब रेशनल डिसाइड कर लो, अगर ये रेशनल हो गया तो कोई बात नहीं, यू कैन लेट इट गो, छोड़ दो वहीं पे। अगर रेशनल नहीं हुआ, सॉरी इरेशनल नहीं हुआ, रेशनल हो गया तो आपको ये बताना है, तो आपको ये बताना है कि जब जो भी रेशनल में ये जाएगा p/q, उसके क्यू के बारे में आप क्या बोल, उसके क्यू नहीं, उसके डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसा डेसिमल है। हमें बेसिकली आइडेंटिफाई क्या करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। जितने बड़े अल्फाबेट्स उतना बड़ा नंबर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो रेशनल में जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा तो भी रेशनल में जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा तो ये रेशनल में नहीं जाएगा, फिर ये इरेशनल हो जाएगा। तो यहां पर तीनों का एक एक एग्जाम्पल दिया गया है। ये है आपका सिंस दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, देयरफोर इट इज अ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म। आपको निकालना नहीं है p/q, केवल बताना है p/q एंड क्यू हैज प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्विंग ओनली 2 and 5। यही वो कमेंट पूछ रहा है कि आप क्यू के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या बोल सकते हैं। तो हम ये क्यू के प्राइम फैक्टर्स के बारे में बोल रहे हैं कि क्यू के जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसमें केवल 2 और 5 ही आएगा।
एक क्यों चिल्ला चिल्ला कहेगा कि हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा हो, 2 और 5 के जैसा हो, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा हो, 2 और 5 के जैसा हो। तो बेसिकली 2 और 5 का ही कंपोजिशन होना चाहिए इसके प्राइम डेसिमल डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में, तभी ये नंबर आपका टर्मिनेटिंग में जाएगा, अदरवाइज इट विल नॉट गो टू द टर्मिनेटिंग काइंड ऑफ डेसिमल। किस में जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग में। दूसरा वाला, ये तो बहुत ही बहादुर टाइप का बच्चा लगता है, 1, 2, 0, 1200, 12,000, 21, 1,20,000 बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है भैया, जब ऐसे लोग बढ़ने लगते हैं ना, तो ये हम कहेंगे कि इट इज अ इरेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर, ये जो नंबर है ये इरेशनल है, देयरफॉर इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म पी वाई क्यू। तो क्यू के बारे में, जब ये पी वाई क्यू के फॉर्म का ही नहीं है, तो क्यू के बारे में कमेंट क्या करें? कुछ नहीं कमेंट करेंगे। आ गया हमारा मुन्ना, कौन सा वाला? ई वाला, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये जो बार लगा हुआ ना, बार बोला, बार नहीं है, बार रिपीटिंग वाला बार है। हमें कहते हैं 43.12345678 9 क्वेश्चन बनाने वाले रैंडमली नंबर लिखे हैं, यही नंबर है, इसके ऊपर उसने बार खींच दिया है। कह रहा है कि ये किस्म, भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, पर ये होगा क्या? ये होगा तो रेशनल ही ना, टर्मिनेट कर गया है, मतलब रिपीट कर गया है। तो सिंस इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, देयरफॉर इट इज ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू एंड प्राइम, कमेंट भी तो मारना है क्यू के बारे में, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इन्वॉल्व्स प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स अदर देन 2 और 5 ऑल्सो। ये ऑल्सो लिखना जरूरी है। देखो, कहीं भी ये नहीं कहा गया है आपसे कि इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 नहीं आ सकता है। 2 और 5 आ सकता है, इसके साथ कुछ और भी आ सकता है। अगर केवल 2 और 5 आया, देखो डिसाइजन का क्राइटेरिया ये होता है कि आपको कोई नंबर मिला, उसके डिनोमिनेटर में 2 पॉसिबिलिटीज है, केवल 2 5 है या 2 5 के साथ कुछ और है। केवल 2 5 है तो टर्मिनेटिंग में गया, 2 5 के साथ कुछ और है तो नॉन टर्मिनेटिंग में गया। तो 2 5 के साथ कुछ और है, 2 5 भी हो सकता है, 2 5 हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ और है ये फर्क पड़ता है। तो वही हम लिख रहे हैं कि भाई ये नहीं लिखेगा कि नंबर्स नंबर्स अदर देन 2 और 5, इतना लिखने का मतलब हो जाएगा कि 2 और 5 के अलावा ही कुछ होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। 2 और 5 के अलावा भी कुछ और हो सकता है। तो ये है आपका एक्सरसाइज 1.4 का डिस्कशन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक बच्चों प्लीज, और हाँ एक और चीज हम आपको, बिफोर आई पुट द शटर डाउन फॉर दिस चैप्टर, हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि प्लीज प्लीज प्लीज, जैसे आप पढ़ते जाते हैं तो महीने में कोई एक दिन ऐसा डिसाइड कर लीजिए जो आपके रिविजन के लिए हो। मतलब ऐसा ना हो कि भाई आज अब अगस्त का महीना है, आपने बढ़ा रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स पढ़ा, और उसके बाद चलो अब एग्जाम के टाइम पढ़ेंगे, एग्जाम के टाइम गया तो पता चला ओ माय गॉड भाई, तो हमारी स्थिति तो जुलाई वाली हो गई है। मतलब जुलाई वाली, मतलब जैसा अभी आप जुलाई से पहले, अगस्त में से पहले जुलाई में थे ना, बिना रियल नंबर्स को पढ़े हुए, वैसी स्थिति हो जाती है। तो उस टाइम ऐसी स्थिति ना हो कि आपको लगे कि ओह ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। इसके लिए बेटर रहेगा कि हर महीने आप एक दिन डिसाइड कर लीजिए हर सब्जेक्ट के लिए, एक दिन फिजिक्स के लिए, एक दिन केमिस्ट्री के लिए, इतना टाइम होता है। हमारे हमने भी 10th पढ़ा है, अब तो आप लोगों का लाइफ काफी इजी हो गया, जब हम लोग 10th पढ़ते थे तो सिलेबस बहुत ज्यादा था, 9th 10th का सिलेबस काफी कम कर दिया गया है। तो अगर हम लोग टाइम मैनेज कर सकते थे बच्चों, तो आप लोग डेफिनेटली मैनेज कर सकते हैं। प्लीज टाइम मैनेज करिए और 3 दिन ऐसे निकाल लीजिए, एक दिन फिजिक्स केमिस्ट्री, एक दिन साइंस के लिए, एक दिन मैथ्स के लिए, और एक दिन बाकी सब्जेक्ट के लिए। ठीक, और निकाल लीजिए और इसको रिवाइज जरूर कर लीजिए जितना भी आपने उस सब्जेक्ट में पढ़ा है।
ये नहीं कि आगे बढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ना जिंदगी में जरूरी जितना है उतना ही ज्यादा पीछे क्या करके आए हैं ये याद रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अब वो कहते हैं ना कि एक कहावत हमने सुनी थी कि चढ़ते चढ़ते चढ़ जा जैसे तैसे, फिर ऊपर वाला पूछेगा भैया अब उतरेगा कैसे, मतलब चढ़ते चढ़ते ऊपर तो चढ़ जाओगे लेकिन ये भी तो देखो कि किस रास्ते से आए हो, वो रास्ता भूल गए तो ऊपर जाके बैठे रहे ना, फिर एग्जाम पेपर में बैठे रहे पढ़ तो मैं सब आया हूँ करूं क्या कुछ नहीं। तो बेसिकली होता क्या है बेटा कि आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, रिवाइज जरूर करिएगा महीने में कोई भी एक दिन ऐसा डिसाइड कर लीजिए जिस दिन आप केवल रिवाइज करेंगे, एक दिन आप डिसाइड करिए इसको रिवाइज करिए रियल नंबर्स को। नेक्स्ट चैप्टर जब भी हम लोग पढ़ रहे होंगे एक महीने के बाद, जैसे मान लीजिए आप इन द मिडल ऑफ द मंथ मान सकते हैं, एंड ऑफ द मंथ मान सकते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ मान सकते हैं, कुछ भी रख लीजिए। अब ये मत करिएगा ठीक है मैं तीन हर हम इतना दिन का सीक्वेंस बनाएंगे एक फ्लो चार्ट बनाएंगे उससे जो नंबर डेट का निकलेगा उससे हम रिवाइज करेंगे, नहीं सिंपल है 1 2 3 को रख लीजिए ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ डेट्स ऑफ द मंथ आप रख लीजिए रिवीजन के लिए, बाकी आप पढ़ते रहिए ठीक। चलिए अच्छा हाँ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स। प्लीज वीडियोस को सीक्वेंस में देखिए, वीडियोस को सीक्वेंस में देखिए, रैंडमली जंप करके मत देखिए कोई फायदा नहीं वाला ठीक है बच्चों, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा बिफोर वी डिपार्ट प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। थैंक यू वेरी मच।